हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा आशा का डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज कटहल का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैं पहले नहीं दिखाई, कटहल उबाली और थोड़ा सा उसको एक दो सीटी लगाएं, एक आलू डालें और इसमें थोड़ा बेसन हो तो बेसन डालिए, नहीं तो मैदा भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बॉल बना लीजिए इस तरह का। और इस मसाले में भी डाला गया था लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज हरी मिर्च ये सब काट के डाला गया था, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी डाल के अच्छी तरह से इसको। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, इसलिए धनिया पत्ता मैं नहीं मिला। और सभी को बॉल बना लिया, तेल गर्म हो रहा है तो मैं इसको बनाने जा रही हूँ। देखिए तेल गर्म हो गया है और एक कर के बॉल को सभी को तेल में, तेल कम दिख रहा होगा पर कम नहीं था, ठीक ही था। और थोड़ा डाले भी थे इसको, तो सभी को ब्राउन करके बॉल को सभी डाल दिए और सबको निकाल लेंगे, अच्छी तरह से सीख जाएगा। और उबाला हुआ है तो कोई नहीं, तो सभी बॉल को बना कर अभी तो फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इस पेस्ट के लिए सभी प्याज और टमाटर काट लिए। और ये कोफ्ता इस तरह से बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ का है, क्योंकि जो कितने लोग कटहल का सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं घर में, तो इस तरह से बनाने से उन लोग खा लेते हैं, उन लोग को पता नहीं चलता, टेस्टी लगता है। तो इस तरह का बना लिए और सभी को ब्राउन करके तल लेंगे और निकाल लेंगे, एक एक करके निकाल लें अच्छी तरह से। ये देखिए कितना हुआ, गोल्डन कलर का हो गया, अच्छा से सीख लिया है सभी। और फिर इसमें डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता और लवंग और लाल मिर्ची ये सब डालकर तड़का लगा लेंगे, थोड़ा सा हींग भी डाले हैं, ये सब को अच्छी तरह से भून लेंगे। एक रह गया था तो उसको भी निकाल लिए और ये सब मसाला को डालकर अभी थोड़ा सा हींग डाले हैं, तड़का डालने का हल्का हींग डालने, इससे स्वाद अच्छा हो जाता और पाचन शक्ति पाचन भी अच्छा होता है। प्याज को थोड़ा सा, क्योंकि प्याज थोड़ा सा पेस्ट भी बना ली रहती है, थोड़ा सा फ्राई करके डाल देंगे, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। उसको ब्राउन होने तक था मैं उसको अच्छी तरह से भून दूँगी और उसमें फिर दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसको भी थोड़ी देर पर पका लेंगे, फिर धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और इसमें गरम मसाला भी डाल लेते हैं, तड़का भी तो लगा ही था सब, सबको एक साथ में आ कर धीरे धीरे भून लेंगे, हल्का नमक देते तरह से उसको भूलते हैं, एकदम ब्राउन होने तक भूलना है, तो थोड़ा सा भी कच्चा खाना होने से टेस्ट खराब हो जाता है। हल्का नमक दे के अच्छी तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, सभी लोग पसंद करेंगे। जो कटहल खाना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे लोग, बहुत बच्चे लोग नहीं खाते हैं, बड़े लोग को भी पसंद नहीं है, तो इस तरह से बनाइए तो सभी लोग खाएंगे। और ये प्याज का पेस्ट थोड़ा सा हल्का भून के उसको भी डाल के फ्राई कर लेंगे। और एक कप दूध का, इसमें ग्रेवी में पानी नहीं है, पानी कहीं भी नहीं करेगा, इस तरह से दूध के बीच तेल छोड़ देंगे कढ़ाई में, इसी तरह से पक जाएगा। उसके बाद ये दूध जो डालिए ग्रेवी के लिए, तो उसको अच्छे से चलाना होगा, हिलाते रहना होगा, नहीं तो फट जाएगा, गर्म दूध रहने से नहीं फटता है, तो
भी चलाते रहिए, गलती तो नहीं है। ये दूध डालकर ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगता है। कितने लोग दूध पसंद नहीं करते पीना, तो इस तरह से बना कर देते हैं तो उन्हें वो सही सब खा लेते हैं। तो इस तरह सभी को ग्रेवी खोल गया था, पूरा खोला के डाल देते हैं, वो तो दिखाई नहीं। फिर सिम कर दिए गैस को, फिर सभी खाने के लिए स्मॉल को डाल दिए कुत्ते को। एक दो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चटनी के साथ खा सकते हैं, मीठी चटनी के साथ में खट्टी चटनी धनिया का चटनी में खा सकते हैं। देखो ये बॉल पूरा टूटने लगा, मतलब ज़्यादा खोलाना नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार हल्का खोल जाएगा तो उसको उतार दीजिएगा, तब जाकर नहीं तो सभी ग्रेवी पे मिल जाएगा। एक एक ऐसे कर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत टेस्टी बना था। इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल देते हैं, बताएँ कि नहीं वो तो नहीं मालूम।